आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि जब मैंने आपको प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग करवाना है तो पहला स्टेप ही यही है, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज और वर्क टू बी परफॉर्म। ग्रुपिंग, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो क्या क्या काम करवाना है अपने एम्प्लॉय से, फिर उनकी टीम्स बना दो जिसे हम बोलते हैं ग्रुपिंग, उस टीम का एक लीडर बना दो और उसके अंडर उसे टीम मेंबर्स है, दैट इज व्हाट ग्रुपिंग। Identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating. Defining का मतलब authority और responsibility क्या है उन्हें बताओ, ठीक है, और उसे delegate भी कर दो। Delegate का मतलब है उन्हें बोल दो कि ये आपकी जिम्मेवारी है, आपने complete करना। You know, without authority, responsibility is worthless. Will you agree? Without authority, responsibility is worthless. एक एग्जाम्पल देती हूँ। परचेज मैनेजर को बोला तूने अच्छे किस्म का सामान खरीदना है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है, मतलब अगर क्वालिटी गलत निकली ना तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, बट वी हैव नॉट डिस्चार्ज द मनी टू हिम, हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसे ही नहीं लेके दिया, मीन्स पैसा खर्च करने की तो अथॉरिटी दी नहीं, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या फायदा भाई, ठीक है ना। ये बोल दिया अच्छी किस्म का सामान खरीदना, पैसे तो दो, या पैसे कम दिए, अच्छी किस्म का सामान 1 लाख का आता है, यू जस्ट गिव हिम 75,000, सो फिर भी आपने अथॉरिटी उसे पूरी नहीं दी, इन दैट केस रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स वर्थलेस। इन द एब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी कैन बी मिस यूटिलाइज्ड, डू यू एग्री? इन द एब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी कैन बी मिस यूटिलाइज्ड। जिम्मेवारी दी नहीं, सारी पार पार एंड पार दे दी, पावर दे दी डिसीजन लेने की, पावर दे दी पैसा यूज करने की, ही कैन मिस यूटिलाइज, ही कैन यूज दैट मनी फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट्स, बशर्ते आपने साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करनी है, तभी अथॉरिटी का क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है, अदरवाइज ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर हम उन्हें कोई जिम्मेवारी नहीं देते वो उस अथॉरिटी को मिस यूज करना शुरू कर देंगे, विच इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सेटबैक फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू अवॉइड सच टाइप ऑफ सिचुएशंस। बोल दिया तूने ये काम करना है और इसको ऐसे यूज कर लेना, रिसोर्सेस एट योर डिस्पोजल, बता दिया ये रिसोर्सेस तू यूज कर सकता है, कल को काम कंप्लीट नहीं होगा, वी हैव टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी एज वेल, दैट इज आंसरेबिलिटी फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क, उससे पूछा जाएगा, सब कुछ तेरे को प्रोवाइड किया, टाइम भी दिया जितना तूने बोला था, रिसोर्सेज यूज करने को भी परमिशन दे दी, फिर काम क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, कारण बताओ, मतलब कारण बताओ, नोटिस भी जारी किया जाएगा, हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन से सस्पेंड ही हो जाए, क्योंकि सारा कुछ देने के बावजूद भी उसने काम नहीं कंप्लीट किया तो क्यों, दैट इज व्हाट फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या हुआ, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, देन डिफाइनिंग एंड फिक्सिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट इज टू बी डेलीगेटेड, एंड देन एस्टैब्लिशिंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स, काहे के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ अनेबलिंग पीपल टू वर्क, ताकि मेरे हर बंदे को पता हो कि उसने किसका ऑर्डर मानना है, ताकि उसे पता हो उसका बॉस कौन है, ताकि बॉस को पता हो उसके टीम मेंबर कौन है, ताकि हमारा काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाए और सारे लोग मिल के काम करें, किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, दिस इज द क्रक्स ऑफ द डेफिनेशन, वर्ड टू वर्ड आई एक्सप्लेन टू यू। नंबर वन डेफिनेशन Duhamel ने भी डिफाइन किया है, बट इन टू लाइंस, क्या कहता है वो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग, इसने दो ही एलिमेंट्स लिए, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम, मींस टॉप लेवल के पास अथॉरिटी है मिडिल लेवल को ऑर्डर करने की, और मिडिल लेवल के पास अथॉरिटी है लो लेवल को ऑर्डर करने, दिस इज व्हाट वी कॉल अथॉरिटी रिलेशनशिप इज सेम एज ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, मींस किसके पास अथॉरिटी है किसको ऑर्डर करने की, तो Duhamel ने एक अलग टर्मिनोलॉजी यूज करी, लेकिन उसका भी मीनिंग सेम ही है, बट दैट डेफिनेशन इज अ शॉर्ट डेफिनेशन, इफ आई टॉक अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देन आई ऑलवेज कंसिडर द फर्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय लुईस एलन। नाउ वेयर बाय ही हैज मेंशन द स्टेप्स इन योर बुक, उससे ऊपर वाला एक पैराग्राफ देखो, वहां पे एक सिंपल डेफिनेशन दे रखी है, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज, ही कैन पिक अप दिस डेफिनेशन एंड ही कैन आस्क नेम द
फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ही विल बी राइटिंग इट इज इट कैन बी डिफाइंड एज और इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान. प्लानिंग में प्लान बन चुके हैं, ऑर्गेनाइजिंग में उन्हें इंप्लीमेंट करना है. मींस ड्यूटी बांटनी है, किसने कौन सा काम करना है, तभी ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे. इट मींस कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हमारे प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए इनिशिएशन लिया जाता है, मींस इनिशिएटिव लिया जाता है. और क्या है, बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप. हर बंदे को बता दिया जाता है तेरी जॉब क्या है और वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब फिर से यही है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. आपने किसके लिए काम करना है, किसके लिए वर्क करना है. एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कौन कौन से है मेरे पास, मैन, मनी, मशीनरी, कैपिटल, ताकि जो भी रिसोर्सेज मेरे पास है, मींस ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली यूज किया जा सके, ताकि मेरे प्री आइडेंटिफाइड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए. हाउ आई आइडेंटिफाइड द गोल्स इन माई प्लानिंग. तो प्लानिंग में सेट किए हुए गोल्स को अचीव करने के लिए वर्किंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है. अपने हर वर्कर को जॉब की क्लैरिफिकेशन देनी है, ताकि मेरे वर्कर के माइंड में किसी भी तरह का कोई क्योस, किसी भी तरह की कोई वेगनेस, किसी भी तरह की कोई नॉन क्लैरिटी ना रहे. एवरीबॉडी इज फेमिलियर वेन दे कम टू देयर जॉब डेली, दे नो वी आर टू रिपोर्ट. उन्हें पता है अटेंडेंस लगाने के बाद हमारा डिपार्टमेंट कौन सा. ये नहीं है कि डेली दे हैव टू वेट नियर द गेट, जैसे कैजुअल एम्प्लॉयज के केस में होता है कि आप टेम्पररी एम्प्लॉय डेली बेसिस पे हायर करते हो एंड दे जस्ट मेक अ क्राउड नियर द गेट एंड दे जस्ट वेट कि किसको बुलाया जाएगा अंदर और उसे आज की वेजेस मिलेंगी और जॉब मिलेगी. डेली बेसिस इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन माई रेगुलर एम्प्लॉयज केस. दे नो वी आर टू रिपोर्ट. वो सीधा अपने सुपीरियर के पास जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है जो काम मैंने कल जहां पे छोड़ा था आज वहीं से स्टार्ट करना है. Because they are very much clear about the job to be performed by them, about the expectation of superior from them. So that's why organizing is very, very important function of management. Example badi achhi di hai, jab usne steps wala paragraph announce kiya. He says, in your school also, if the groups are being made, कोई फेट हो रहा है या कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है उसमें ड्यूटीज एलोकेट कर दी, या फिर कोई हाउस शो हो रहा है वहां पे ड्यूटीज एलोकेट कर दी, तो कहीं ना कहीं हम लोग वहां पे भी ऑर्गेनाइजिंग को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. लेट्स सी, सपोज 12 स्टूडेंट्स वर्क फॉर द स्कूल लाइब्रेरी इन द समर वेकेशन. मतलब बुक्स वगैरह अरेंज करने के लिए लाइब्रेरियन की हेल्प करनी है, और सॉफ्टवेयर मान लो एक लाइब्रेरी में नया बना है तो सॉफ्टवेयर में सारी बुक्स को क्या करनी है, रिकॉर्डिंग फीड करनी है. ठीक है, तो क्या लिखा उसने, वन आफ्टरनून 12 बच्चों ने लाइब्रेरी की बुक्स अरेंज करने में हेल्प करनी थी. एक दिन क्या हुआ, दे आर टोल्ड टू अनलोड अ शिपमेंट ऑफ न्यू रिलीजेस. एक दिन उन्हें ये बोला गया कि अभी हमारी बुक्स आनी है, व्हीकल के थ्रू आएंगी, वहां से बुक्स उतारनी. तो फॉर एग्जाम्पल सीढ़ियों पे बुक्स चढ़ानी थी, तो दे मेड अ चेन, 12 के 12 बच्चों ने चेन बना ली. एक ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हो गया, दूसरा सेकंड स्टेप पे खड़ा हो गया, तीसरा फिफ्थ स्टेप पे खड़ा हो गया. ऐसे ऐसे उन्होंने 12 बच्चों ने चेन बना ली, एंड विद चेन दे विल बी ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. होता है ना जैसे ब्रिक्स ट्रांसफर करते हैं, हमारे एनुअल फंक्शन में भी तो होता है, चेन में स्टूडेंट्स और टीचर खड़े रहते हैं तो चीफ गेस्ट तक मोमेंटो पहुंचता है और फिर विनर को हैंड ओवर कर दिया जाता है. तो लाइक दैट वे इट मीन्स की ड्यूटीज हैव बीन एलोकेटेड कि कौन सा पहले स्टेप पे खड़ा होगा, कौन सा लास्ट स्टेप पे, कौन से मिडल पे खड़े होंगे. सो दिस इज वॉट ऑर्गेनाइज. ठीक है, अब करते हैं इसे फिनिश करते हैं. वन आफ्टरनून दे आर टोल्ड टू अनलोड अ शिपमेंट ऑफ न्यू रिलीजेस, दैट इज स्टॉक ऑफ बुकशेल्व्स, एंड देन डिस्पोज ऑफ ऑल वेस्ट पैकेजिंग पेपर. जो भी बेकार सामान पड़ा है वो भी हम लोगों ने डिस्पोज ऑफ कर देना है. इफ ऑल द स्टूडेंट्स डिसाइड टू डू इट इन देयर ओन वे, सारे बच्चे अगर अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर देते तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होता. हमने बोल दिया कि नई बुक्स आ रही है, इन दो बच्चों की ड्यूटी है कि पुरानी बुक्स वहां से हटा देनी है. जैसे इन्होंने पुरानी बुक्स हटाई, अगले दो बच्चों की ड्यूटी है वो जो स्क्रैप है वो उठा के कहीं कॉर्नर पे रखना है या किसी बिन में डाल देना है. दो बच्चों की ड्यूटी है जो नीचे व्हीकल में नई बुक्स आई हैं उन्हें ऊपर लेके आना है. ठीक है, जैसे ही वो ऊपर ले आए, दो बच्चे और लाइब्रेरी में बैठे हैं, उन्होंने शेल्फ में अरेंज कर देना. कोई डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं हुआ. 4 एक्टिविटीज में मेरा सारा काम खत्म हो गया. पुरानी बुक्स हटाई दो बच्चों ने, जो हटाई गई बुक वो बिन में डाली दो बच्चों ने, व्हीकल से उतारी दो बुक्स, सारी बुक्स दो बच्चों ने, और दो बच्चे उसे लाइब्रेरी में लेके गए, और जो नई बुक्स आई वो शेल्फ पे दो और बच्चों ने अरेंज कर. तो 12 बच्चों में से मैंने 6 ग्रुप्स बना दिए फॉर एग्जाम्पल. तो दैट इज वॉट ग्रुपिंग. आई टोल्ड देम द एक्टिविटीज एज वेल
इट मींस कि हमारी डेली लाइफ में भी तो ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है ना। तो हमें तब तक नहीं पता था जब तक हमने ये फंक्शन नहीं किया, अदरवाइज इन आर डेली लाइफ, इन आर सोशल लाइफ वी डू टेक द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इवन डेली, ठीक है। और इन स्पेशल ओकेजंस, जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी, घर में कोई शादी ब्याह का सीजन है तो हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं हम उनकी ड्यूटीज लगा देते हैं कि आपने ये काम करना है, ठीक है। वी ट्रस्ट अपॉन यू, मैं बाहर वाला कोई बंदा इसके लिए हायर नहीं करूंगा, दिस यू हैव टू सी, यू हैव टू सुपरवाइज दिस वर्क। सो एट द टाइम ऑल्सो वी आर यूजिंग व्हाट ऑर्गेनाइजिंग, एम आई राइट। बर्थडे पार्टी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलते हो तू मेरे साथ ही चलना, जल्दी चलेंगे हम, गेस्ट को रिसीव करना है, दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। या मैं थोड़ी लेट हो जाऊंगी तो मेरे से पहले पहुंचना, दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग। चाहे सिंगल पर्सन ने कमांड दी है लेकिन किसी को कोई ड्यूटी तो एलोकेट करी है ना, सो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑर्गेनाइजिंग, राइट। एनी डाउट अबाउट द कॉन्सेप्ट, हाइलाइट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, ड्यूटी एलोकेशन, ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज डन विद। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर, लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। पहला स्टेप बोलो, आप खुद बोलोगे। मोहित आपने लगातार बाहर देखे, पता नहीं व्हीकल काउंट्स करे हैं, पता नहीं क्या किया, आई डोंट नो, लगातार आप बाहर देख रहे हो और सुन, पता नहीं राइट ईयर से रहे हो कि लेफ्ट से रहे हो, मेरे को नहीं पता, और निकल कहाँ से रहा है ये भी नहीं मेरे को पता। फ्रॉम वन ईयर यू आर लिसनिंग एंड फ्रॉम अदर ईयर यू आर लेटिंग इट आउट। ओके डन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, कल को इसे सभी अपने नंबर नोट करवा देना, ठीक है, नंबर के हिसाब से ये ढूंढ लिया करेगा। ओके एनफ, आपने कितना सुना ऑर्गेनाइजिंग का, आप कुछ अपने भाषा में कुछ बोलेंगे, मेरे को भी प्रूफ मिले कि हाँ आपने सुना, कोई भी एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल मैंने जो बोली डेली लाइफ की, कोई भी, हाँ ऑर्गेनाइजिंग ही कर रहे हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, मैंने अलर्टनेस ही चेक करनी थी, ठीक है दी है ये मैंने, इसके अलावा और भी बहुत सारी दी। आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क, क्योंकि मैंने आईएनजी पहले वर्ड के साथ लगा दिया ना तो मैंने दूसरे के साथ भी लगा दिया, उसने आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क लिखा, मैंने डिवाइडिंग द वर्क लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। अब डिवाइडिंग द वर्क की जगह अगर हमारी बुक डिवीजन ऑफ वर्क लिख रही है तो आपके माइंड में हेनरी फ्यूल का कोई प्रिंसिपल आता है कि उसने दिया था डिवीजन ऑफ वर्क का? हेनरी फ्यूल ने कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था डिवीजन ऑफ वर्क का? एनीबॉडी फ्रॉम द होल क्लास रेस योर हैंड एंड टेल मी इट्स मीनिंग, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू दिस पॉइंट, डिवीजन ऑफ वर्क। पहले काम को ढूंढो, कौन कौन से काम करवाने उसकी लिस्ट बनाओ, फिर काम को बंदों में बांट दो, लेकिन डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता था, बांटो कैसे, किसी को कुछ भी दे दो करने को? नो, एज पर दियर स्पेशलाइजेशन। फ्योल कहता था भाई जो बंदा जिसमें एक्सपीरियंस है, जो बंदा जिसमें ट्रेंड है, जो बंदा जिसमें वेल वर्स्ड है, जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड उस फील्ड में ज्यादा है, फॉर एग्जांपल वन पर्सन डिड एमबीए इन फाइनेंस, मैं उसे फाइनेंस मैनेजर बनाऊंगी कि सेल्स मैनेजर बनाऊंगी? फाइनेंस मैनेजर बनाऊंगी। अगर किसी ने मार्केटिंग मैनेजमेंट में कोर्स किया है तो मैं डेफिनेटली उसे मार्केटिंग मैनेजर बनाऊंगी या सेल्स मैनेजर, मोर और लेस बोथ एक्टिविटीज आर सेम। अगर किसी ने ह्यूमन रिसोर्स में डिग्री या डिप्लोमा किया है तो मैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाऊंगी। Once who did the masters in computers, तो मैं उसे अपने computer department का head बनाऊंगी। This is what we call division of work. So division of work कभी भी blindly मत करना। You have to take into consideration the specialization factor. जो बंदा जिसमें expert है उसे वही करने को देना है। चार या पांच लाइनें हैं, हम सारी लाइनें पढ़ेंगे क्योंकि कहीं से भी वो MCQ frame कर लेता है। चलो जी पढ़ो। What is the meaning of identification? What is the meaning of identifying? What is the meaning of identifying? Just be sure in your mind what work you want others to do. पहले अपने माइंड में क्लैरिटी करो कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हो और खुद क्या करोगे, मतलब अपने पास कितनी पावर रखोगे और कौन सी पावर डेलीगेट कर दोगे, कौन सी बात आप चाहते हो कि आपके सबॉर्डिनेट आपके लिए करें। This is what we call identification of work to be performed. ठीक है, देखो क्या लिखा। The first step in the process of organizing involves identifying and dividing the work that has to be done in accordance with the previously determined plans. सारी बातें इसने planning से relate करनी है, because primary function was planning. Planning के immediately बाद ही तो organizing आया। कहता जो सारा कुछ आपने plan out किया है ना, उसमें जो जो आपने बोला था कि हमें ये achieve करना है, तो definitely उसको achieve करने के लिए क्या क्या करवाना पड़ेगा अपने worker से, वो पहले identify करो। Just be sure in your mind and make a hard copy of that. Make a list of that. What work you want others to do for you. कई बार क्या होता है,
फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मेरे पास एक मैकेनिकल इंजीनियर भी होना चाहिए, है ना, एट प्रेजेंट नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसकी एड दोगे और साथ में आप उसकी क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन दोगे एड में, साथ में आप उसका एक्सपीरियंस भी मांगोगे कि मेरे को 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, फ्रेश बंदा नहीं चाहिए। सो इट मीन्स कि फर्स्टली दैट वॉज क्लियर इन योर माइंड, देन ओनली यू गेव द एडवर्टाइजमेंट। सेम इज हियर कि आपको क्या काम करवाना है, पहले ये तो बात क्लैरिफाई करो, फिर उसके बाद उनमें काम बांटो, और काम बांटते हुए कौन सा फंडा माइंड में रखना है, स्पेशलाइजेशन का। ठीक है, आगे क्या लिखा, द वर्क इज डिवाइडेड, हाँ दिस इज वेरी गुड लाइन, द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज। कोई भी बंदा जिसको आपने काम दिया है या एलोकेट किया है, ही और शी शुड नॉट फील ओवरबर्डन, मैनेजेबल फॉर्म में होना चाहिए, जितना काम जितनी एक्टिविटी वो मैनेज कर सकता है उसको वही काम करने को बोलो, मैनेजेबल मतलब स्मॉल स्मॉल टास्क में आपने काम को बांटना है ताकि वो अपने लेवल पे उसे मैनेज कर सके, किसी भी टाइम पे किसी को भी ये ना लगे दैट वी आर ओवरबर्डन, मेरे को तो जरूरत से ज्यादा काम दे दिया और मेरे कंपेनियन को कुछ दिया ही नहीं क्योंकि ये इसका रिलेटिव है मेरे बॉस का, सच टाइप ऑफ फीलिंग शुड नेवर कम। ठीक है, मिस डिविजन ऑफ वर्क शुड बी अप्रोप्रिएट। आपको पता है कोई भी बंदा काम को लेके ओवरबर्डन तभी महसूस करता है जब काम उसके इंटरेस्ट का नहीं होता या उसे करना नहीं आता। Once you are expert in that, you will enjoy na? ठीक है ना, जो आपके इंटरेस्ट का काम है, painter will always enjoy the painting, am I right? Cook will or chef will always enjoy the cooking. होता है ना ऐसा, sculpturist हमेशा sculpture बनाने में अपने आप को बिजी रखता है because that is his taste, that is his line. Getting it? तो काम को हमेशा आपने इस ढंग से बांटना है that they should enjoy. And there should not be any type of duplication of effort. जब मैंने हर बंदे को उसकी एक्टिविटी दे दी तो कोई भी एक एक्टिविटी एक से ज्यादा बंदा नहीं करेगा, ना आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे ना आपका टाइम वेस्ट होगा, और कोई भी बंदा बेकार नहीं बैठेगा। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को भी हम अवॉइड करेंगे। यस, एंड द बर्डन ऑफ द वर्क शुड बी शेयर्ड बाय ऑल द एम्प्लॉइज। ये नहीं है कि किसी एक को आपने ओवरबर्डन कर दिया दूसरे को फ्री बैठा दिया, नो, यू आर पेइंग टू एवरीवन सैलरी मंथली, व्हाई नॉट टू टेक द वर्क फ्रॉम एवरीवन। So this should be the funda when you identify and divide the work. उसने कहीं पे specialization का नहीं लिखा, you can give the reference. Once we decide to divide the work, the specialization principle should be kept into mind, right? आगे चलते हैं second. Departmentalization. क्या meaning लगता है आपको इस word का? Departmentalization. To make departments, am I right? To make different departments. Had it been a sole proprietorship, तो different departments की जरूरत ही नहीं थी, the one man show होता है in sole proprietorship. Partnership में भी कोई fast division नहीं होती, it always comes into existence when we talk about a public limited company. मेरी plus two की पूरी business study public limited company को focus करती है. Sole proprietor कभी करेगा departments बनाएगा, no? Scale of the business is very small, right? So whenever you decide the work to be performed, you just allocate the duties among them. After that, you just form the different departments. Departments को बनाने के कई basis हो सकते हैं. That can be area wise. किसी को north region दे दिया, किसी को south दे दिया, किसी को west दे दिया, मतलब sales manager. अलग अलग area के अलग अलग बना दिए. ये region wise हो गया, geographical wise हो गया. That divisions can be product wise even. ये cosmetic department का head है, ये pharmaceutical department का head है. मान लो आप 5 product बना रहे हो, ये मेरे footwear department का head है. So like that way, आपने product wise कर दिया. Departmentalization can even be on the functions based. ये मेरा accounts manager है, इसने accounts का सारा काम करना, function हो गया. ये मेरा sales manager है, इसने sales का सारा काम संभालना है. ये मेरा purchase manager है, पूरी organization के लिए सामान को खरीदने की duty इसकी है, इसने purchase का function करना. So while fixing the departmentalization, what criteria you want to keep in your mind, that vary from company to company. जरूरी नहीं है कि हर company function wise division करे, जरूरी नहीं है कि सारी कंपनी प्रोडक्ट वाइज डिवीजन करें, जरूरी नहीं है कि सारी कंपनी ज्योग्राफिकल एरिया वाइज डिवीजन करें. सो एनी क्राइटेरिया और मोर देन वन क्राइटेरिया यू मे फॉलो, एम आई राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल डिपार्टमेंटलाइजेशन. हाँ, मेरे वाली एग्जांपल्स ही दी हैं, लेट्स कंप्लीट दैट पैराग्राफ. कहता आप काम बांट चुके हो छोटे छोटे हिस्सों में, मैनेजेबल टास्क आपने दे दी उनको, किसी को भी आपने ओवर बर्डन नहीं किया. जब आपने ग्रुपिंग करी तो सिमिलर नेचर आइटम का आपने एक ग्रुप बनाया, लाइक नॉन मेडिकल के सारे बच्चे एक सेक्शन में हैं, मेडिकल के सारे बच्चे एक सेक्शन में हैं, कॉमर्स के सारे बच्चे एक सेक्शन में हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा है तो हमारे एक से ज्यादा सेक्शन, राइट? लेकिन पीरियड उनके सेम लगते हैं, होमोजेनिटी है ना. तो वंस के वी डिवाइडेड द वर्क,
व्हाट क्राइटेरिया वी कैप्ट इन आवर माइंड, होमोजेनिटी ऑफ द वर्क, सिमिलैरिटी ऑफ द जॉब टू बी परफॉर्म्ड बाय देम, सच सेट्स फैसिलिटेट, यस। अब मेरे वाली लाइन आई, कहता जब आपने ये डिवीजन करी और उनमें काम बांटा और सिमिलर नेचर की जॉब को एक जगह पे रखा तो आपने स्पेशलाइजेशन का प्रिंसिपल फॉलो किया, जो बंदा जिसमें एक्सपर्ट है हमने उसको वही काम दिया था। दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज नेम्ड एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। आपने अलग अलग ग्रुप बना दिए, सेल्स मैनेजर की टीम को सेल्स डिपार्टमेंट में ही रिपोर्ट करना है, परचेस मैनेजर की टीम को परचेस मैनेजर के ऑर्डर ही मानने हैं बिकॉज सिमिलर नेचर एक्टिविटीज हैं। डिपार्टमेंट बनाने के कहता कई क्राइटेरिया हो सकते हैं, कई कंपनीज ज्योग्राफिकल वाइज क्राइटेरिया फॉलो करती हैं, कई प्रोडक्ट वाइज करती हैं, आप एक ऐड कर लो कई फंक्शन वाइज भी करती हैं, क्योंकि इसी चैप्टर में मैंने आपको फंक्शनल डिवीजन भी करवाना। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो आप लिख दो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एज वेल, तीसरा लिखो और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एज वेल, ब्रैकेट में लिखो, बोलो क्या क्या होगा, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एक्सेट्रा, राइट, अकाउंट्स मैनेजर यू कैन राइट। एनीवन फ्रॉम द होल क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन? क्या बोला अभी मैंने? ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन और ऑन द सिमिलैरिटी बेसिस, और सिमिलर जॉब्स आर टू बी ग्रुप्ड इन अ सिंगल ग्रुप। इट मींस की ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑन सर्टेन बेसिस इज नेम्ड एज व्हाट, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ही कैन कॉल इट ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, नेम इट, दिस इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, राइट। अभी तक क्या किया है? अभी सारा कुछ पेपर वर्क हुआ शायद, आइडेंटिफाई, आपने एक लिस्ट बनाई, मैंने ये काम करवाना है, किस किस ने करना है वो भी आपने लिस्ट बना ली। दूसरे स्टेप पे आपने ग्रुपिंग कर दी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 बंदे हैं तो मैंने 10-10 बंदों का एक एक ग्रुप बनाया, मीन्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल 10 ग्रुप बन गए। कहीं पे 100 बंदों को इकट्ठा मैनेज करना और कहीं पे 10-10 बंदों का एक ग्रुप बना और उन 10 बंदों में से एक ग्रुप लीडर है, मीन्स एक बंदा 9 बंदों को इजिली मैनेज कर सकता है ना, दैट्स व्हाई ही इज राइटिंग मैनेजेबल टास्क, ठीक है। कहीं मैं बोलूं कि मिस्टर सोहन इज इन चार्ज ऑफ दिस 100%, नो बडी विल लिसन टू हिम बिकॉज दैट इज अ ह्यूज टास्क, 100 बंदा एक बंदे से कहां संभलेगा। तो हमने क्या कर दिया, सारा कुछ इजी कर दिया ताकि उनको कभी भी ओवरबर्डन ना लगे, राइट। अब उनको क्लैरिटी है कि 9 बंदों को, ये मेरा बॉस है, अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा मेरे अगेंस्ट नेगेटिव रिपोर्ट जाएगी और मेरे को सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो दे विल बी फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ देयर बॉसेस, राइट। यहां तक हो गया हमारा, डिपार्टमेंट्स बन गए, डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। अब हर डिपार्टमेंट को उसकी ड्यूटी भी तो देनी है, सेल्स मैनेजर को बोलना है इस साल हमारा सेल बढ़ाने का टारगेट है, प्रोडक्शन मैनेजर को बोलना है सेल बढ़ाने का अगर टारगेट है तो तू प्रोडक्शन बढ़ाएगा तभी तो सेल बढ़ेगी, मार्केटिंग मैनेजर को बोलना है तू एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज्यादा स्पेंड करेगा और अच्छी एड बनाएगा तभी तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे, तभी तो मेरा सामान खरीदेंगे। फाइनेंस मैनेजर को बोलेंगे क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रही है जितना पैसा इनको चाहिए होगा उतना उसी टाइम रिलीज कर देना, पैसे के रिलीज में अगर लेट हो गया तो रॉ मटेरियल लेट पहुंचेगा, प्रोडक्शन डिले हो जाएगी, सेल नहीं बढ़ पाएगी। एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट एंड दैट इंटरडिपेंडेंसी यू हैव टू क्रिएट, मींस माय टॉप मैनेजमेंट हैज टू टेल टू ईच एंड एवरी डिपार्टमेंटल हेड दैट दे ऑल आर टू बी यूनाइटेड, दे ऑल आर टू वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, otherwise our goals will be kept aside, means आपके लड़ाई झगड़े के कारण मैं अपने goals की non achievement नहीं चाहती। organization के बाहर you can be enemies of each other but in my organization I want you all to work in a team, right? So this is what we call assignment of duties, to whom the duties are being assigned, let's see, it is okay। मैंने बोल दिया ये resources हैं, ये तेरी authority है, जब तक मैंने duties fix नहीं करी मेरे गोल्स तो अचीव होने ही नहीं। अभी तक पेपर वर्क हुआ, मतलब सारा कुछ थ्रेटिकल हुआ, पहला स्टेप दूसरा स्टेप दोनों थ्रेटिकल। नाउ द एक्चुअल ऑपरेशन विल गेट स्टार्ट व्हेन फॉर्मली यू विल बी गिविंग देम अ ड्यूटी चार्ट, राइट। तो देखो क्या लिखा, इट इज नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब पोजिशन? मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल मैनेजर का क्या काम है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के असिस्टेंट मैनेजर का क्या काम है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स मैनेजर का क्या काम है, मींस हर जॉब पोजीशन का वर्कलोड आपने बता दिया।
किसी भी डेजिग्नेशन के बंदे को किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है, और हर बंदे को अपना उस चार्ट में क्लैरिटी है कि मेरी पोजीशन किससे ऊपर है और किसके नीचे है। एवरीबॉडी नोज वेयर आई स्टैंड, ठीक है, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट देयर बॉसेस एंड सबॉर्डिनेट्स। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एलोकेशन ऑफ ड्यूटी और असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। कहता है डिपार्टमेंट बन चुके हैं, ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड अंडर द इंचार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल, हर डिपार्टमेंट का एक हेड बना दिया गया है, जॉब्स आर एलोकेटेड, उसी डिपार्टमेंट के हर मेंबर की जॉब्स बता दी गई हैं। इट इज असेंशियल फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस दैट अ प्रॉपर मैच इज मेड बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस और देयर शुड बी अ मैच बिटवीन व्हाट, लाइन पढ़ो, बिटवीन व्हाट, ability of the person and allotment of job. जो बंदा जिसमें expert है उसे वही काम देना है। Is he able to do this work? एक बहुत ही sleek और thin बंदे को आप कोई manual work दे रहे हो, 10 बोरियां तूने उठा के यहाँ से ऊपर से नीचे लेके आनी है, नीचे से ऊपर लेके जानी है, he will not able to do. This is only a example I am giving for daily wage earners. ठीक है, जब कभी ये रिक्शा वगैरह चलते थे ना, अब तो रिक्शा बहुत कम होते हैं, manual रिक्शा, तब मेरे पास भी व्हीकल नहीं होता था, वी यूज टू गो विद रिक्शा और मेरे मदर इन लॉ मेरे साथ जाते थे, वो हम ये देखते थे ये बंदा चला पाएगा कि नहीं, हम दोनों का भार, मतलब हम कभी बूढ़े बंदे को प्रेफर नहीं करते थे, हमें लगता था वो रास्ते में एक तो धीरे धीरे चलाएगा, हमें डेस्टिनेशन पे टाइम पे नहीं पहुंचा पाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एबिलिटी ऑफ द पर्सन, व्हेन यू एलोकेट द जॉब यू हैव टू सी एबिलिटी ऑफ द पर्सन, एम राइट, ऐसा होना चाहिए ना, देयर शुड बी अ मैच। अगर ये लाइन वो पिक करता है तो ये कौन सा स्टेप है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है, व्हाट प्रिंसिपल यू विल बी फॉलोइंग व्हाइल असाइनिंग द ड्यूटी। आई एम कॉमर्स टीचर, आई डिड माय मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, कैन आई टीच फिजिक्स और केमिस्ट्री, नो, कैन माय फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर्स टीच कॉमर्स सब्जेक्ट्स, नो, इट मींस कि हमें एलोकेट ड्यूटी कैसे हुई है, एज पर आर एबिलिटी इन विच वी आर एबल, ठीक है, इन विच वी अटेंड सर्टन एकेडमिक डिग्रीज और डिप्लोमास, यू आर गेटिंग मी, सो व्हेन यू आर एलोकेटिंग द ड्यूटी तो देयर शुड बी अ प्रॉपर मैच। द वर्क मस्ट बी, यस, फिर से बहुत अच्छी लाइन है, काम असाइन करते हुए उसे ही काम देना, whoever is best fitted in it, बेस्ट पर्सन को देना, बेस्ट के अलावा तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं, अदरवाइज तो फ्लॉप शो है सारा, की हुई प्लानिंग भी फ्लॉप है, ऑर्गेनाइजिंग तो फ्लॉप हुई हुई, जो प्लान किया है वो भी अब तक फ्लॉप हो गया, तो हमेशा बेस्ट सुटेड पर्सन को वो काम करने को देना। कम टू द लास्ट स्टेप, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज नथिंग एल्स दैट इज सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। वही बातें बार बार, हर बंदे को पता हो उसका बॉस कौन है, उसने किसकी बात माननी है, ठीक है, कल को अगर वो काम अच्छा नहीं करता तो मैंने उसकी नेगेटिव रिपोर्ट किसको देनी है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, टॉप मैनेजमेंट बोलेगी सारे डिपार्टमेंटल हेड को, कोई भी टीम मेंबर अच्छा काम ही ना करता हमें बताना, आफ्टर एवरी मंथ यू जस्ट सबमिट देयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू अस, देन वी विल सी कि वी विल कंटिन्यू विद देम और वी विल सस्पेंड देम। सो हर ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब बंदे के मन में डर है ना अपनी जॉब को खो जाने का, दे विल ऑलवेज बी एफिशिएंट अनलेस एंड अंटिल दे डोंट हैव एनी अदर अपॉर्चुनिटी। जब उनको लगता है कि और अपॉर्चुनिटी है, महीने बाद मैंने छोड़ ही देना, फिर वो बनता है बोल्ड, अदरवाइज जॉब खो जाने का हर बंदे को डर होता है। तो सच टाइप ऑफ फियर वी हैव टू क्रिएट व्हेन वी आर एस्टैब्लिशिंग दिस रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यू कैन कॉल इट इवन सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, क्रिएटिंग सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। चार लाइनें हैं, मेरे को पढ़ने देना, देन यू विल मूव। He says, merely allocating of the work is not enough. काम बांट दिया यही बहुत नहीं है, चेकिंग भी तो करनी है, काम जैसा बांटा है क्या वो वैसा कर रहे हैं, जैसा हमारी एक्सपेक्टेशन थी वैसे वो काम कर रहे हैं कि नहीं, एक तरह का फॉलो अप है, लेकिन ये फॉलो अप कौन करेगा, सुपीरियर करेगा। हर टीम लीडर अपने मेंबर का फॉलो अप लेगा, हर टीम लीडर अपने वर्कर्स का काम क्या करेगा, चेक करेगा। ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो हु ही हैज टू टेक ऑर्डर, किससे उसने ऑर्डर लेने हैं और किसको वो अकाउंटेबल है, मींस किसे, किसको वो आंसरेबल है। तभी मैंने तीनों टर्म्स पहले करवाई ना, अकाउंटेबल का मतलब टू होम ही इज गोइंग टू बी आंसरेबल। अगर कल को मैं काम कंप्लीट नहीं करती तो कौन मेरे से पूछ सकता है इसका कारण, राइट। सो दिस इज द वे, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप्स हेल्प्स टू क्रिएट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, व्हिच ऑलवेज कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और टॉप टू बॉटम हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या है, ये मेरी टॉप मैनेजमेंट है, ये मिडल है, और ये कौन है, लोअर मैनेजमेंट है। एक और बात मेरे को आपको बतानी है, ऑर्डर्स ऑलवेज कम फ्रॉम अप टू डाउन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज गोज फ्रॉम रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप शुड बी क्लियर विद एवरीवन।
राइट, सो दैट इज एनफ फॉर टुडे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।